डियर एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पारासेटामल का जिक्र करेंगे। पारासेटामल को एसीटामिनोफेन के नाम से भी जाना जाता है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कीमोथेरापेटिक मेडिसिन है, यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट ये दवाई है, ये दवा है जो किसी तरह के भी फीवर हो जाए तो फीवर को कम करने के लिए, यानी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। पारासेटामॉल मतलब बुखार की एक दवा है। अब देखिए, बुखार जो है यानी फीवर, जिसको पाइरेक्सिया के नाम से भी जानते हैं, ये एक किसी बीमारी के होने के बाद ये एक लक्षण के रूप में आता है। हम में से सभी कभी न कभी अपने लाइफ में फीवर से ग्रसित हुए होंगे। तो फीवर एक लक्षण है किसी बीमारी के होने का। फीवर टाइफाइड फीवर हो सकता है, मलेरियल फीवर हो सकता है, कहीं पे कोई घाव हो गया तो उसके वजह से फीवर हो सकता है। लेडीज के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उस पीरियड के आने से पहले या पीरियड के दौरान फीवर आ सकता है। किसी हार्मोनल डिसऑर्डर के वजह से भी फीवर आ सकता है। तो फीवर चाहे जिस किसी वजह से भी आता हो, तो फीवर को कम करने के लिए, यानी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल टेम्परेचर से जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इस मेडिकल कंडीशन को हम कहते हैं फीवर। और फीवर के बारे में आपको मैं बता दूं कि इसी चैनल पे फीवर का एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें मैंने डिटेल फीवर के ताल्लुक से, फीवर के संबंध में, फीवर के बारे में बहुत ही डिटेल डिस्कस मैंने किया है। उसमें बहुत डिटेल में आपको कंटेंट मिल जाएंगे, लेक्चर मिल जाएंगे, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। लेकिन यहाँ पे हम फीवर में जो दवा चलती है जिसको हम एंटीपायरेटिक्स के नाम से जानते हैं, उस एंटीपायरेटिक मेडिसिन का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो पारासेटामल है, जो कि फीवर की दवा है, फीवर को कम करने के लिए दवा है, इसका मैं जिक्र कर रहा हूं। तो देखिए, ये पारासेटामल करता क्या है? पारासेटामल एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन है जो फीवर को कम कर देता है। कैसे कम करता है? तो पारासेटामल एक्ट करता है PGE2, बिल्कुल साधारण जबान में समझिए कि हमारे ब्लड के अंदर PGE2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, यानी PGE2 का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जहां पे इन्फ्लामेशन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, उस इन्फ्लामेटरी साइट पर PGE2 का प्रोडक्शन होता है और वो जो है PGE2 ब्लड के अंदर सर्कुलेट होने लगता है और ब्लड के जरिए हमारे ब्रेन के अंदर पहुंच जाता है। ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है, ये ब्रेन है, इसमें एक ब्रेन का सेक्शन है जिसको हम हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। इस हाइपोथैलेमस में पहुंचता है और इस हाइपोथैलेमस पे
में क्या होता है कि हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर का एक सेट पॉइंट होता है। उस सेट पॉइंट को क्या करता है कि ये PGE2 यानी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 उस नॉर्मल सेट पॉइंट को अल्टर कर देता है यानी बदल देता है। नॉर्मल सेट पॉइंट की वैल्यू जो है सेट है मान लिया कि 99 डिग्री टू 100.9 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। जैसे आर्म पीट का जो टेम्परेचर लेते हैं आर्म के अंदर थर्मोमीटर लगा के, तो उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे आर्मपिट टेम्परेचर या 100 डिग्री या 90 डिग्री से लेके 100.9 डिग्री फ़ारेनहाइट ये कोर बॉडी टेम्परेचर होता है, यानी कि हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है। तो ये नॉर्मल सेट पॉइंट है, और इस नॉर्मल सेट पॉइंट को डिस्टर्ब करने वाला, अल्टर करने वाला जो केमिकल्स हैं उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन E2। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एक तरह के रासायनिक पदार्थ है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो इसका जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल होते रहता है, लेकिन किसी इन्फेक्शन के वजह से या इन्फ्लामेशन के वजह से, मतलब आसान भाषा में कि किसी बीमारी के वजह से हमारा बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन E का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो बढ़ेगा तो फीवर हो जाता है। अब ये क्या करता है पारासेटामोल, उस प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को ही वो दबा देता है, कम कर देता है, उस पे जाके एक्ट करता है। कि ना प्रोस्टाग्लैंडिन का ज्यादा सिंथेसिस होगा, ना ज्यादा उसका प्रोडक्शन होगा, ना फीवर आएगा, क्योंकि फीवर लाने वाला ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ही है। तो ये पारासेटामोल क्या है? पारासेटामोल प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को वो जाके और उसको पकड़ लेता है, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को खा जाता है पारासेटामोल। ये जाकर हाइपोथैलेमस के ऊपर, ब्रेन के ऊपर काम करता है। धीरे 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 बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि फीवर जो है कम हो जाता है, फीवर खत्म हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि पारासेटामोल या एसीटामिनोफेन एक बुखार की दवाई है, लेकिन बुखार किस वजह से होता है उसकी दवा नहीं है। ये बुखार को तो कम कर देगा, लेकिन बुखार जिस वजह से हो रहा है वो खत्म नहीं होगा। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, और डॉक्टर जो है क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन यानी कि डॉक्टरी जांच पड़ताल के बाद ये बीमारी को पकड़ेगा। और बीमारी जब पकड़ में आ जाएगी तो उसमें उस बीमारी की दवा चलेगी, उसमें पारासेटामोल भी डॉक्टर देता है। ताकि कहता है कि साहब फीवर अगर 100 से ज्यादा हो गया, 103 हो गया, 102 हो गया, 101 हो गया, तो पारासेटामोल खा लीजिएगा। अगर मान लिया कि फीवर कम है, 99 डिग्री है या 100 डिग्री है, तो नहीं भी खाइएगा तो कोई बात नहीं है, ये डॉक्टर तय करेगा। लेकिन डॉक्टर अगर अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो अगर हमें फीवर हो जाए, चाहे किसी वजह से भी हो जाए, तो आप डॉक्टर के पास जाने से पहले आप ये दवा ले सकते हैं। क्योंकि तो डॉक्टर नहीं है अगर अवेलेबल, तो आप क्या करेंगे? फीवर के से तो तड़पते नहीं रहेंगे, बच्चे फीवर से मरते तो नहीं रहेंगे। आप इस दवा को लेकर जहां से लेंगे उससे आप पूछ लेंगे, अगर एडल्ट है
उसका जो है 50 केजी तक वजन है, तो वो 500 mg पारासेटामोल ले सकता है। आजकल डोलो नाम से आता है आपको, जिसमें 650 mg होता है, या P500 के नाम से आता है, या अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से इस पारासेटामोल को बनाते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी भी फार्मासिस्ट के पास जाइएगा, आप कहिएगा कि भाई हमें फीवर आ गई है, मुझे पारासेटामोल दे दीजिए, या अगर आप अपने घर में रखना चाहते हैं तो पारासेटामोल आप किसी अच्छे कंपनी का, उस पर मेन दवा का नाम पारासेटामोल होगा, उसका भले कंपनी जिस नाम से बनाती हो, P500 से बनाती हो, या डोलो नाम से बनाती हो, या कालपोल नाम से बनाती हो, कई तरह के नाम जो है उसका हो सकता है, कंपनी अलग अलग नाम रख सकती है। तो पारासेटामोल आप अपने घर में लेके रख सकते हैं, अगर पेन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, फीवर हो गया, तो आप इस दवा को डॉक्टर के मशवरे से, या थोड़ा बहुत भी किसी को जानकारी होगी उसके मशवरे से, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, तो अगर फीवर हो गया है तो पारासेटामोल आप ले सकते हैं खुद से, आपकी फीवर जो है कम हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन इस दवा का असर जब तक रहेगा तब तक तो फीवर नहीं आएगी, हो सकता है कि दवा का असर खत्म हो जाए तो फिर फीवर आ सकती है। इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि पारासेटामोल लेने की जरूरत अगर पड़ती है आपको, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो आप ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को जितना जल्दी हो सके आप कांटेक्ट करें, क्योंकि फीवर जो आ रहा है वो किसी बीमारी की वजह से आ रहा है, क्योंकि फीवर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बुखार जो है अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये किसी बीमारी का लक्षण है जो कि हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन के वजह से, या संक्रमण के वजह से, यानी इन्फेक्शन के वजह से, या ट्रॉमा के वजह से, या और भी कई कारण हो सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के वजह से, या ठंड लग जाने की वजह से, लू लग जाने की वजह से, कई तरह के कारण हो सकते हैं जिसके वजह से, इवन कैंसर अगर हो गया है किसी को, तो कैंसर के केस में भी फीवर आता है। अगर किडनी के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है, पत्थर हो गया है, दर्द कर रहा है, उसमें भी फीवर आता है। एपेंडिसाइटिस का शिकार हो गया है कोई, अपेंडिक्स की बीमारी हो गई है, उसमें भी फीवर आता है। तो इस तरह के कई सारे डिजीज है, यानी बीमारी है, जिसमें फीवर एक लक्षण के रूप में आता है, तो आप पारासेटामोल ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को कांटेक्ट करने की मैं सजेस्ट करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो, आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो डिजीज एंड हेल्थ से रिलेटेड आप तक वीडियो पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग।